पंजाब के लोक निर्माण एवं विद्युत मंत्री हरभजन सिंह ने आज जोगिंद्रनगर में शानन हाइडल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंजाब के मुख्यमंत्री की अभी हाल ही में शानन मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा हुई थी, जिसके बाद आज पंजाब के पावर व लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह इसका निरीक्षण करने जोगिंद्रनगर के सानन पावर प्रोजेक्ट में पहुंचे और प्रोजेक्ट का बारीकी से निरीक्षण किया है। पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार इस प्रोजेक्ट के प्रति गंभीर है और इसकी शीघ्र ही देखरेख पर बजट खर्च होने जा रहा है। मंत्री ने माना कि इस प्रोजेक्ट में अधिकारियों व कर्मचारियों का टोटा है, जिसे शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। प्रोजेक्ट के भवन व अधिकारियों के निवास को लेकर बजट का पूरा प्रावधान कर दिया गया है, जिसके शीघ्र टेंडर लगाए जा रहे हैं। अब अप्रोच रोड से शुरू होने वाली प्रोजेक्ट की सड़क के लिए बजट पास कर दिया गया है और टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है, उन्होंने कहा। माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल वो साथ में मिले थे, तो उस पत्र पर कोई बात जो भी हुई होगी हम उसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं उसके साथ ही काम करेंगे। बात की उसका हमने टेंडर कर दिया, वो जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं। छत का भी टेंडर हमने कर दिया, जो भी गेस्ट हाउस भी है, जो फ्लैट्स हैं हमारे एम्प्लॉयज़ के, हमारा अराउंड 200 एम्प्लॉई है वहाँ पर, हम उसको भी जल्दी ठीक करने जा रहे हैं। ये भी इसका देखिए 2 महीने पहले देखिए जे 132 KV का है, आइसोलेटर चेंज हुए, आइसोलेटर इसके भी हमने चेंज किए हैं। 1.5 करोड़ का काम था लगभग, हाँ लगभग हमने 1.5 करोड़ का ये भी काम किया है। और आने वाले समय में हम जो बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो जल्द सॉल्व करेंगे, और साथ में कुछ हमारा स्टाफ भी कम है तो हम वो भी कोशिश करेंगे कि वो स्टाफ जो है वो पूरा किया जाए, ताकि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए इस पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। जोगिंद्रनगर से आपका फैसला के लिए कैलाश की रिपोर्ट।